एक तो जुड़ रहे हैं सेडानी साहब जो देंगे आपको बुधवार की सिद्ध की स्लिप, और बुधवार को ही बग्गा साहब से भी मुलाकात करने का वक्त है। तो सिद्धार्थ जी हैं तैयार अपनी पीले रंग की बेहतरीन चमकती हुई टाई के साथ सिद्ध की स्लिप। माफी चाहता हूँ सिद्धार्थ जी, पीले रंग की टाई बोल दिया। मिदास टच वाले हमारे सिद्धार्थ जी जिनकी गोल्डन टाई है, थोड़ा सा गोल्ड का शाइन कम हो गया इसलिए पीला लगा मुझे, लेकिन है गोल्डन टाई है। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं आज कौन सी थीम लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी आपसे एक चीज सीखा है, जो कलर आइडेंटिफाई ना हो पाए उसको इंग्लिश कलर बोल दिया 100%। तो ये आपसे मैंने सीखा है। तो आज जो सिप है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना है और इंडिया को कंज्यूम करवाना है, ये तो बहुत करते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और ग्लोबल मार्केट्स को सर्व करते हैं, ये यूनिक है। इसीलिए आज का जो थीम है वो है मेक फॉर द वर्ल्ड। इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत की कंपनी है और बाहर बहुत मजबूती से काम कर रही है, मेक फॉर द वर्ल्ड। इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया में प्रोड्यूस करती है या एक्विजिशन किया है बाहर। ये कंपनियां पॉपुलर सप्लायर्स है वर्ल्ड के, विश्व के पॉपुलर सप्लायर्स है, ग्रोइंग इंडिया एमएनसी और रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ जोरदार ग्रोथ वाली कंपनी लेके आए हैं आज, मेक फॉर द वर्ल्ड। ओके, मेक फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए बनाए अच्छे प्रोडक्ट, ये है आज की बेहतरीन थीम आती है। और मेक फॉर द वर्ल्ड की थीम के साथ में तो फिर है ना बग्गा साहब भी जुड़े हैं। बग्गा साहब से ज्यादा दुनिया भर के बाजारों के बारे में कौन जानता? अच्छा मुझे तो नहीं मिले, जानने वाले जानते होंगे, कोई होंगे तो, हमारी नॉलेज में तो नहीं है, हमारी अप्रोच और रीच में भी नहीं। तो बग्गा साहब से हम बात करेंगे कि जो थीम आप बता रहे हैं वो कितनी दमदार है। पहले आप बताएं सर, स्टॉक्स एलोकेशन टारगेट रिटर्न, इतनी सही सटीक परफेक्ट रिसर्च जो आप लेकर आते हैं, बताइए सिद्धार्थ जी। बिल्कुल अनिल सर, और मेक फॉर द वर्ल्ड में सबसे पहली कंपनी है मेटल्स से जुड़ी कंपनी टाटा स्टील। टाटा स्टील पे खरीदारी करनी है, टारगेट होगा 1776 का, 30 रुपए लगाने हैं, 100 रुपए में से 34 मिलियन टन की कैपेसिटी 26 कंट्रीज में आज प्रेजेंस रखती है टाटा स्टील। अक्वायर भी किया है यूरोपियन कंपनी को, आज के तारीख में 25-30% सेल्स एक्सपोर्ट से है। केपेक्स करने वाली है, कैपेसिटी बढ़ाने वाली है 10-12 हजार करोड़ ये साल में। चाइना जो स्लो डाउन कर रहा है उसका बहुत बड़ा फायदा टाटा स्टील को मिलेगा ग्लोबल मार्केट में। प्रोडक्शन कैपेसिटी और उनकी यूटिलाइजेशन 73% हो सकती है 2030 तक। दूसरी कंपनी होगी सिप्ला फार्मा की कंपनी, टारगेट होगा 1100 रुपए का, 30 रुपए लगाए, 100 रुपए में से। एपीआई फॉर्मुलेशन जेनरिक्स की कंपनी जो साउथ अफ्रीका अमेरिका सब जगह प्रेजेंस है, एक्सपोर्ट्स करीब 40% करती है, बहुत अच्छे ब्रांड है, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स में है ओमनीजेल, निकोटेक्स, कॉप स्टील, तो बहुत अच्छे अच्छे ओटीसी प्रोडक्ट भी है। अबिटा और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस यूएस जेनरिक में। तीसरी कंपनी जो होगी मेक फॉर द वर्ल्ड में वो है यूपीएल, जो पुराना नाम हुआ करता था यूनाइटेड फॉस्फोरस, टारगेट होगा 940 का, 20 रुपए लगाने हैं, 100 रुपए में से। फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल जेनेरिक एग्रोकेमिकल कंपनी, 80% का तो एक्सपोर्ट है, करीब 80% का स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनी, 7-10% रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है कंपनी की, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। और अंतिम और आखिरी कंपनी होगी रबर केमिकल से, जिसका जिक्र आज अनिल सर कर रहे थे, वो है नोसिल। नोसिल की राय है खरीदारी की, टारगेट होगा 350 का, 350 का, 20 रुपए लगाए, 100 रुपए में से, एक्सपोर्ट करीबन 35%, इसके ऊपर सोने पे सुहागा, कंपनी चाहती है 8-10% ग्लोबल मार्केट शेयर करे, भारत का तो लीडर है ही ग्लोबल मार्केट शेयर, और चीनी कम चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी नोसिल, खरीदारी की राय। ये है मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया तो हम सभी सुनते हैं और हम मानते भी हैं, अब नई भाषा मेक फॉर द वर्ल्ड, और मेक फॉर द वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियां, चुनिंदा कंपनियां आपके सामने। सिद्धार्थ जी, सुमित जी और कुणाल जी की तरह आपका भी राजनीति में उतरने का इरादा तो नहीं? मेक फॉर द वर्ल्ड है मतलब जिस तरह के आप स्लोगन निकाल कर ला रहे हैं, मतलब इरादा क्या है आगे? फिर पॉपुलर तो आप हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है,
नहीं अनिल जी, भारत की सेवा करना है शेयर बाजार में रह के और लोगों का पोर्टफोलियो बिल्ड करवा के। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा नौशिन को भी नो नहीं कहना है ना सुमित जी? बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल, नौशिन को तो होल्ड करके चलना है। नौशिन अभी बढ़िया मूव दिखा रहा है और ऐसा मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। 325 330 तो इमीडिएट के लेवल है और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में जो सिर्फ के सिर्फ में टारगेट है वो भी अच्छी होंगे, तो बिल्कुल होल्ड करना है नौशिन को। आपको कॉम्पिटिशन दिख रहा है थोड़ा बहुत सिद्धार्थ जी से राजनीति के मामले में? नहीं अनिल जी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा अनिल जी। अच्छा ओके, अलग अलग पार्टी में रहेंगे। उन्होंने खुद ने कहा उनको शेयर मार्केट में रहकर देश की सेवा करनी है, पोर्टफोलियो बनाना। अच्छा इसलिए ओके ओके, तो शेयर बाजार में कंपटीशन मिलेगा उन्हें कुणाल जी से। लेकिन इससे याद आया, राजनीति से याद आया, बहुत टाइम हो गया मस्ती की पाठशाला की नहीं, कुछ किया जाए इस वीकेंड पर, फ्राइडे का कुछ सोचा जाए अच्छा कोई टॉपिक देखकर, क्या है विचार आप? कीजिए अनिल जी कीजिए, बहुत रिक्वायरमेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, सुमित जी की तरफ से हाँ है बिल्कुल, और कुणाल जी की तरफ से हाँ है, सिद्धार्थ जी ने भी अंगूठा दिखा दिया। आजकल एक जमाना था अंगूठा दिखाते थे चिराना माना जाता, आजकल अंगूठा दिखाने का मतलब जब से ये मतलब मोबाइल आया और इमोजी आया जब से अंगूठा दिखाना मतलब वेरी गुड। पहले अंगूठा दिखाते थे मतलब हम तो क्लास में कंप्लेन भी किए हैं कई बार के, टीचर देखिए मुझे अंगूठा दिखा रहा है, मतलब कंप्लेन ही होती थी। आजकल अंगूठा दिखा रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं? जी बंसल जी बिल्कुल अनिल जी, मस्ती की पाठशाला बिल्कुल अनिल जी करनी चाहिए, काफी समय से इंतजार हो रहा है और अब तो अनिल जी जैन साहब हमारे से थक गए हैं, उन्होंने इसकी मांग भी करना बंद कर दिया है। चलिए बढ़िया है, तो चलिए विचार किया जाएगा। आज क्या है, बुधवार में तो है टाइम, बुधवार गुरु शुक्र दो दिन है हमारे पास में। चलिए विचार करते कोई अच्छा सा टॉपिक सोचकर मस्ती की पाठशाला की जाए। सिद्धार्थ जी ने आइडिया दिया, सिद्धार्थ जी का धन्यवाद, आइडिया भी मस्ती की पाठशाला के भी और साथ ही साथ बेहतरीन पिच का भी। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। आइए कैश का ऑप्शन तैयार है हमारे साथ जय ठक्कर।